पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री कहती हैं कि क्या कागजात, मुझे कोई जानकारी नहीं है। दूसरे दिन कहती है मुझे याद नहीं है कि मैंने उस कागजात पर मेरे हस्ताक्षर हैं कि नहीं, और आज वो कागजात जनता के सामने पेश किया गया है। 18 अगस्त 2011 को वसुंधरा राजे ने एक स्टेटमेंट दिया था और उस स्टेटमेंट के आधार पर इन्होंने मांग की थी कि ललित मोदी जो भगोड़ा है, भगोड़ा मेरे शब्द नहीं है, ये पूर्व गृह सचिव बीजेपी के सांसद आरके सिंह जी का वक्तव्य है, वो भगोड़ा है, और उस भगोड़े के समर्थन में उन्होंने 21 पॉइंट का एक स्टेटमेंट दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, सरकार को, और ये मांग की थी कि ललित मोदी को इंग्लैंड में ही रहने की अनुमति दी जाए। पहली बात तो यह है कि राजस्थान मुख्यमंत्री ने बार बार झूठ कहा, झूठ बोला, और आज साफ हो गया है कि जो कागजात उन्होंने इंकार किया था, बाद में उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ याद नहीं है, आज वो कागजात देश के सामने हैं, उनके हस्ताक्षर हैं, और मैं बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह जी को कहना चाहता हूं कि ये हस्ताक्षर कोई फेक हस्ताक्षर नहीं है, ये असली हस्ताक्षर है। और प्रधानमंत्री जी को अभी एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है, जो मांग हम कर रहे हैं, हमने ये भी कहा था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री से 4 कानूनों का उल्लंघन हुआ है, इंडियन पीनल कोड, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और पासपोर्ट एक्ट, और आज साफ हो गया है कि उन्होंने ललित मोदी के समर्थन में एक स्टेटमेंट दिया था। और बीजेपी को जब पूछा गया था कि क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया जाएगा, तो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा था कि कहां है वो कागजात, अगर हस्ताक्षर हों तो उनका इस्तीफा जरूर होगा। आज वो कागजात हैं, हस्ताक्षर फेक नहीं है, नकली नहीं है, असली है। अभी एक ही रास्ता है, जो सरकार नैतिकता की वकालत करती है, जो प्रधानमंत्री कहते हैं जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, प्रधानमंत्री के मुंह से क्या क्या नहीं निकला है पारदर्शिता के बारे में, जवाबदेही के बारे में, उनके सामने एक ही रास्ता है। ऐसे तो आज 3 मंत्रियों का इस्तीफा उनको देना चाहिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री, मानव संसाधन मंत्री, और पहले से तो हम मांग कर ही रहे हैं कि विदेश मंत्री। पर जो सपूत आज जनता के सामने है, हस्ताक्षर 18 अगस्त 2011 के वसुंधरा राजे जी का, इसको कोई भी इंकार नहीं कर सकता। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, अभी कोई और बयानों की जरूरत नहीं और कोई जांच की जरूरत नहीं, रास्ता एक ही है, रास्ता साफ है, राजस्थान के मुख्यमंत्री को तुरंत अभी
इस्तीफा देना चाहिए। न केवल उन्होंने कानूनों का उल्लंघन किया है, उन्होंने झूठ बोला है, और क्या उन्होंने ललित मोदी के समर्थन में क्या क्या नहीं कहा है, अजीब सा ये एक वक्तव्य है उनके ओर से, जिन्होंने एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट कहा है। उन्होंने मांग की है कि जो समर्थन उन्होंने ललित मोदी को किया है उसको पब्लिक नहीं कराना चाहिए, उसको गुप्त ही रहना चाहिए, और ऐसे ऐसे इल्जाम उन्होंने लगाए हैं, और वो भी एक विदेशी सरकार को, पर वो अलग बात है। क्या उन्होंने कहा है वो अलग बात है, पर हमारी मांग एक ही है। बीजेपी ने कहा था अगर कुछ कागजात निकलेंगे जिसमें वसुंधरा राजे की हस्ताक्षर होंगे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया जाएगा। कागजात आए हैं, हस्ताक्षर हैं, नकली नहीं असली हस्ताक्षर है, तो बीजेपी ने जो कहा था वही हम आज मांग कर रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अगले कुछ ही घंटों में अपने इस्तीफा दें, उसके बाद में मानव संसाधन मंत्री, जिसके खिलाफ एक आज कोर्ट का आदेश आया है, निर्णय आया है, और पहले से जो हम मांग कर रहे हैं विदेश मंत्री, उनके खिलाफ भी चार कानूनों के उल्लंघन के आधार पर एक केस बनता है, वो मांग कल परसों हम लेंगे। पर आज देश के सामने सबसे अहम मुद्दा ये है, और सवाल ये नहीं है अभी कि क्या इस्तीफा देंगी या नहीं, सवाल एक ही है कब देंगी, आज रात को देंगी या कल सुबह देंगी।